नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारवाब डॉट टीवी का डिजिटल रेडियो कार्यक्रम, जिसमें आप सप्ताह भर की खबरों से वाकिफ हो सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, मगर आप इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। आज के साप्ताहिक अंक में सबसे पहले रुख करते हैं 2 अगस्त का। 2 अगस्त को सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर देश दुनिया के असंख्य श्रद्धालुओं ने झारवाब डॉट टीवी के माध्यम से देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग एवं दुमका स्थित बाबा वासुकीनाथ का ऑनलाइन दर्शन किया। वहीं श्रद्धालुओं ने इन दोनों पावन मंदिरों के गर्भगृह से दैनिक पूजा अनुष्ठानों का भी अवलोकन किया। बता दें कि झारखंड सरकार की पहल पर वैद्यनाथ धाम एवं वासुकीनाथ धाम से नित्य प्रातः श्रृंगार पूजन एवं संध्या आरती का सीधा प्रसारण झारवाब डॉट टीवी पर किया जा रहा है, जिसका लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है। अब 3 अगस्त का रुख करते हैं, जब झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य के 12 चयनित खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु रोजगार सृजन के साथ पंचायत स्तर तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही खिलाड़ी दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान सहित कई खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली राशि का चेक उनके परिजनों को सौंपा। सीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि बेहद सीमित संसाधनों में राज्य की बेटियों ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में विकसित किया, जो सराहनीय है। अगर 4 जुलाई की बात करें तो इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सामान्य जनता को अच्छा खासा वक्त दिया। अपने आवासीय कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री ने दूर दूर से आए लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे आवेदन लिए और समस्याओं के निदान का भरोसा भी दिया। वहीं 5 अगस्त को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग व अंगीभूत कॉलेज में यूजीसी नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को घंटी आधारित संविदा पर रखे जाने, संयुक्त लोक सेवा आयोग में 3 सदस्यों के प्रस्ताव, सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अधीन निर्गत अधिसूचना में संशोधन तथा रेप एवं पॉक्सको एक्ट के लंबित मामलों को त्वरित निष्पादित हेतु 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों को अगले 2 वर्षों तक अवधि विस्तार हेतु कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड डॉट टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो। नमस्कार।